ओके हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। ओके क्या बात है बालको। गुड इवनिंग डियर मैडम जी भाई, गुड इवनिंग बालको। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। राम राम जी भाई, राम राम, वेरी गुड इवनिंग भाई। जितने बच्चे भी आए हैं, सबसे पहले तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को कर लेंगे जी सब्सक्राइब। ठीक है, फटाफट एक बार आप सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और जितने बच्चे भी क्लास में आ गए हैं, तो एक बार ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह कर देंगे वीडियो को शेयर। ठीक, ओके भाई, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। तो सबसे पहले ये देखिए टाइम टेबल आ रहा है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी के सभी बच्चे। जिस जिसने अभी तक टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी के सभी, है ना। पता तो होना चाहिए ना किस वक्त कौन सी क्लास चल रही है, कौन पढ़ा रहा है। और इंग्लिश की मैम नहीं आई है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे, तो इंग्लिश का भी बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक बार देखेंगे सभी के सभी। यस डियर, देख लो जिसने नहीं देखा है अभी। मैम हम ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पे ढूंढ रहे थे हम आपको। हम अच्छा मिल गए अब हम कृष्णकांत आपको, बहुत बढ़िया बात है। किसी ने अभी तक, जी, जल्दी से एक बार सभी के सभी शेयर कर देंगे भाई, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। ये आपके पेपर सेकंड साइंस के लिए होगा, ठीक है, ये होगा आपके लिए साइंस के लिए पेपर सेकंड। चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास विनय सर लेंगे, 9 बजे इंग्लिश क्लास निधि मैम, 10 बजे संस्कृत अगेन विनय सर, 11 बजे अपनी क्लास रहेगी ईवीएस की पेपर वन के लिए, और ये आपकी साइंस की क्लास रहेगी आपके पेपर सेकंड के लिए। एसएसटी पढ़ाएंगे आपको देशराज सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे अगेन निधि मैम, हिंदी विनय सर फिर से, 6 बजे आपके नितिन सागर सर लेते हैं आपकी मैथ्स की क्लास, और फाइनली 8 बजे आपकी हिमानी मैम की क्लास यानी आपके सीडीपी की क्लास। ठीक है, समझ पा रहे हो, टाइम टेबल भूलना नहीं है, रोज का टाइम टेबल यही रहेगा, भूल मत जाना इस टाइम टेबल को भाई। ये टैट और सीटेट के लिए है ना, टैट और सीटेट के लिए ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं, एसएसटी देशराज सर पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना लेट लतीफ करे। और देखिए आपका जो पैटर्न रहेगा वो कंप्लीटली आपका सीटेट वाला रहेगा। साथ ही में आपको क्या करना है, साथ ही में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रैपकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स चलेंगे, डेली क्विज चलते हैं, लेटेस्ट जॉब के बारे में बताया जाता है, और भाई फ्री मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पानी में आप हो, है ना, वो जरूर देना है हर किसी बच्चे को। दूसरी लेटेस्ट खबरें, देश दुनिया दीन में क्या हो रहा है सब पता लगेगा, किसी को नहीं पता होता, अखबार पढ़ने का टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास, है ना, किताबें पढ़ते नहीं हो। फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी प्यारे दोस्त, मैगजीन मिल जाएंगी, और ऑनलाइन क्लासेस तो आपको दिख ही जाती हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। करना कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे जाना है और प्रैपकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बात खत्म, इतनी सी बात है, ज्यादा तकलीफ भरा काम बिल्कुल नहीं बताएंगे हम आपको। अच्छा अक्षय, बस बस ऐसे थोड़ी कोई कहता अपनी मैम को, बोलने तो दो कम से कम। तो चलिए ये जो हमारा बेसिकली साइंस रहेगा, पेपर सेकंड स्पेशली आपका सीटेट और टेट के लिए रहेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास को, कि कहाँ, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, जितने बच्चे भी गुड इवनिंग कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, आपके हर्वी वॉर्स के बारे में। अभी क्लास में बने रहेगा, क्लास छोड़कर बीच में कोई नहीं भागेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाऊंगी चैप्टर वाइज। अब आपके साइंस में क्या हिसाब किताब चलेगा, पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा,
चैप्टर के साथ साथ इसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे एंड में, तो क्लास को कंप्लीट देखना है, क्लास से उठकर भागना बिल्कुल नहीं है, समझ पा रहे हो? ताकि आप क्या कर सको, प्रीवियस ईयर्स भी आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक में से क्या पूछा गया है। अक्षय भाई क्या नहीं समझ आता है? हाँ जी अविनाश यादव, सीटेट ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले हमें फोकस करना है किस चीज पे, सीटेट का पेपर सिर पे है तुम लोगों के, समझे? तो देखिए, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट या फिर प्लांट प्रोड्यूसर्स, इनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर, जो केवल पादप उत्पाद और उनको शाकाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे आपके भैंस, गाय, हिरन, घोड़ा। तो ये सबके सब किस पे डिपेंड होते हैं? सबके सब आपके डिपेंड होते हैं किस चीज पे? आपके प्लांट प्रोडक्ट्स पे या डायरेक्टली प्लांट्स पे। इनको आप कभी भी नहीं देखोगे कि मांस खा रहे हैं या मांसाहारी हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको एक टर्म याद रखनी है शाकाहारी लोगों के लिए। शाकाहारी लोगों को क्या कहा जाता है? शाकाहारी लोगों को कहा जाता है आपका हर्बीवोर। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? शाकाहारी लोगों को हर्बीवोर कहा जाता है। ठीक है, क्लास में बने रहना है, किसी को भागना नहीं, उठकर मैं पहले ही बता रही हूं। ठीक है, ठीक है, साइंस की क्लास देख लीजिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ग्रुप डी की क्लास का टाइम 1 बजे है और एसएससी की क्लास का टाइम 5 बजे है। जो यहाँ पर बच्चे ग्रुप डी वाले बैठे हुए हैं, एस कुमार, ग्रुप डी की क्लास 1 बजे चलती है आपकी, 1, तो ग्रुप डी वाले और ध्यान से देख लेना जी। चलिए, और इसका एग्जाम्पल है आपका बफेलो, काओ, डियर और हॉर्स। ठीक है, भैंस, गाय, हिरन, घोड़ा, बकरी। बकरी भी इसी में आती है, बकरी है, भेड़ है। ये सब क्या करते हैं? घास खाते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवर होते हैं। हाँ हाँ, एसएससी जीडी 5 बजे, 5 बजे क्लास है एसएससी की। क्लास का टाइम मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अभी, बालको जो जो कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार क्लास का टाइम देख लो। ईवीएस की क्लास 11 बजे है, ठीक है, ग्रुप डी की क्लास 1 बजे है, ये वाली क्लास का टाइम आपको पता ही है, और एसएससी की क्लास 5 बजे। ये हिसाब किताब है आपकी क्लासेस का, तो एक बार देख लोगे टाइम टेबल सभी के सभी। हाँ, और ये आज पहली क्लास है हमारी, आ रही बात समझ में? दिस इज अवर फर्स्ट क्लास, पहली क्लास है हमारी प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात थी पेड़ पौधे खाने की, घास वास खाने की, तो वो तो सब खा गया, कौन? भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब खा गए। ओके प्यारे दोस्त, अब क्या बचता है? अब बचता है जंतु। तो ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को खा जाते हैं उनको कार्निवोर बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है? मांसाहारी बोला जाता है। और मांसाहारी में कौन कौन आता है? शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता, सांप, चील, गिद्ध, ये सभी के सभी किस में आते हैं? आपके मांसाहारी में आते हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये क्या चीज है? आपका मांसाहारी है, समझ आ रही है बात? साथ ही में मैं आपको टेलीग्राम आईडी बता दे रही हूँ, उसको ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी लिंक होते हैं मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है? तो एक बार लिंक देख लेंगे टेलीग्राम का। आर्यन आप पढ़ सकते हो किसी भी क्लास में, क्योंकि सब में साइंस ही चल रही है, जिसमें आपका मन है उसमें पढ़ लो, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको प्लांट खाने में भी इंटरेस्ट होता है और जो जानवर खाने में भी बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी चलता है, वो जानवर भी खा जाएंगे, वो पेड़ पौधे भी खा जाएंगे, उनको तो दोनों चीजें पसंद होती है, दोनों चीजें उनकी फेवरेट होती हैं, ठीक है? तो ऐसी चीजों को कहा जाता है ओमनीवोर। ऐसी को क्या कहा जाता है? ओमनीवोर। मनुष्य भी इसी में आता है, क्योंकि हम लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं वो तो सब्जी खाते हैं, और कुछ हम जैसे, मतलब मुझ जैसी नहीं, कुछ इंसान नॉन वेज भी खाते हैं, तो वेज और नॉन वेज दोनों का कॉम्बिनेशन कौन खा रहा है? हम लोग भी खा रहे हैं। तो हम किस में आएंगे? हम आएंगे अपने ओमनीवोर्स में, ठीक है? हाँ भाई हाँ, देखो ये बेचारा साग सब्जी खा रहा है, तो ये किस में आएगा आपका? वेजिटेरियन। ये भी बेचारा, ये पेड़ भी खाता है और ये मांस भी खाता है, ये सब खाता है आपका भालू, क्लियर? ठीक है अक्षय, 5 बजे मिलना आप हमसे। भालू, कौवा और कॉकरोच, भाई जिनका सीटेट का पेपर है चाहे यूपी टेट का पेपर है, पेपर सेकंड में जिनके पास साइंस है वो दिल थाम कर क्लास में बैठना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, भागने की जरूरत नहीं है क्लास से जी।
तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है टर्म्स में, हम नहीं बता पाते हैं एक्चुअली चीजें की है क्या, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जितने भी आपके पास पड़ोस वाले दोस्त यार जिनको भी सी टेट के लिए या टेट के लिए साइंस का पेपर सेकेंड देना हो तो उनको क्लास का टाइम बता देना, क्योंकि क्लास का टाइम पहले 12 बजे था, अब मैंने शिफ्ट करके 4 बजे कर दिया है। तो एक बार आप उनको बता दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सारे फूड्स होते हैं, हमारा न्यूट्रिशन होता है हमारा भोजन, तो हम खाना क्यों खाते हैं, क्या रीजन होता है खाना खाने का? केवल टेस्ट टेस्ट के लिए तो नहीं खाते हम लोग, है ना? इतने पागल थोड़े हैं कि केवल खाने को टेस्ट करने के लिए खाएंगे और दिन भर खाते ही रहेंगे। किसी की आईडी है कॉमेडी विद SKMR। सुनो भाई, आज जैसे बैच स्टार्ट हो गया है और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हमारी क्लास का टाइम है 1 बजे, ग्रुप डी की क्लास का टाइम है 1 बजे, याद रखो। SSC की क्लास का टाइम है 5 बजे, याद रखो, ठीक। हम भोजन क्यों करते हैं बताओ, कौन बताएगा इसका वैलिड आंसर? क्यों खाना खाते हैं हम लोग, क्या जरूरत है हमें खाना खाने की, हम ऐसे भी तो जी सकते हैं, कौन बताएगा इस चीज को? प्यारे दोस्तों आंसर द क्वेश्चन, खाना खाने की क्या नीड है, क्या जरूरत है इसको खाने की? है किसी के पास कोई वैलिड आंसर? वेरी गुड, स्टडी विद कंसंट्रेशन के नाम से जिनकी आईडी है नितिन पांडे, कुछ भी, इनका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड भारती, वेरी गुड। एनर्जी के लिए, किस चीज के लिए? क्योंकि खाना खाने से हमें मिलती है ऊर्जा, खाना खाने से हमें मिलती है एनर्जी, यानी हमें मिलेगी प्यारे दोस्त ऊर्जा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, हमको इन सब का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए अगर हमको चाहिए ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा किस फॉर्म में मिलेगी आपकी? ATP। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एग्जाम में 50 बार पूछी गई है, याद कर लेना इसको, बहुत होशियार लोगों को भी याद नहीं होती है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि जो हमें एनर्जी मिलती है किसकी फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देख लो एक बार। भाई कोई दिक्कत समस्या हो, हां जी सीटेट के लिए ये क्लास पढ़ लो, क्लास में आकर बत्ती आने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कौन कौन से भोजन होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कौन है आप में से बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा जो मुझे बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से मिलता है? अरे भाई सीटेट स्पेशल ही है ये क्लास, है ना? अब पढ़ लो, लिख दूं क्या यहां पर सीटेट साइंस, देख लो अब शांति से इसको बैठकर, बातें मत करना। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, चावल से, रोटी से, आलू से, इन सब से क्या मिलता है हमें? हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहां पर लिख देती हूं, आलू हुआ, चावल हुआ, रोटी हुई, ये सारी चीजें किस चीज का सोर्स है? ये सारी चीजें सोर्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स का। हां जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसे भी स्क्रीनशॉट लेने में इंटरेस्ट हो। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते चलना, बार बार ना कहना पड़े, और ये दाल चावल बनाओ मत कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट हम किस चीज की बात करेंगे? हम बात करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका किस किस चीज में मिलता है? तो आपका शकरकंदी, जिसे मीठा आलू कहा जाता है, गन्ना, पपीता, गेहूं, चावल, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इन सब चीजों में क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा, ध्यान से देख लो। और एक बार सभी के सभी वीडियो को शेयर कर देंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, हर जगह। MCQ चलेंगे अभी थोड़ी देर में,
एमसीक्यू भी करवाऊंगी अभी थोड़ी देर में, सब्र तो कर लो। भी क्लास में खड़े हुए मुझे मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं और तुम लोगों ने डिमांड से स्टार्ट कर दी है अपनी। पढ़ाने तो दो कुछ, एमसीक्यू किस बात के करवाऊंगी मैं? चैप्टर वाइज चलेंगे, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगी उसके बाद आपके एमसीक्यू चलेंगे। ऐसी क्या आते एमसीक्यू करवाना स्टार्ट कर दो? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझाने वमझाने कुछ देते नहीं हो तो मैं आती पहले एमसीक्यू करवा दूं मैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, आपके प्रोटीन्स के बारे में। आ रही बात समझ में? प्रोटीन्स, तो प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है हमारे शरीर में, हमें क्या ही जरूरत है प्रोटीन खाने की? केवल जिम जाकर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ हमें प्रोटीन खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ जी मैडम जी तो पढ़ा रही हैं पर आप भी तो पढ़ो। हमें प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है जल्दी बताएं, कुछ है जवाब किसी के पास? बालको, हाँ जी नितिन बताएं। कुछ नहीं मालूम, मौज काट रहे हो। ग्रोथ के लिए नहीं, केवल ग्रोथ के लिए नहीं, ग्रोथ के साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी हमारे टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, जैसे मान लो तुम लोग चलते चलते नीचे गिर गए है ना, और पैर में कभी कभी मोच आ गई, तो मोच का मतलब क्या होता है, हमारे टिश्यू ब्रेक कर गए, हमारे टिश्यू टूट गए हैं, तभी तो हमें दर्द का एहसास होता है। तो उन टिश्यूज को ठीक करने के लिए भी, या कोई चोट लग गई है शरीर में, कुछ भी हो गया है, टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए भी किस चीज का इस्तेमाल होता है? आपका प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जाते हो ना तुम लोग जिम तो आपको प्रोटीन डिब्बा मिलता है पीने के लिए। हाँ वेरी गुड, स्टडी टाइम वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आपको प्रोटीन पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप हैवी एक्सरसाइज करो तब भी तो आपके टूट रहे हैं ना टिश्यूज बॉडी में, तो उनको कौन ठीक करेगा? उठा भी नहीं जाएगा अगर प्रोटीन नहीं पीकर जाओगे जिम में। क्लियर? इसको क्या कहा जाता है, भोजन शरीर निर्माता, वर्धक कहा जाता है। किस चीज को? आपके प्रोटीन्स को। ठीक भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना हमसे, और नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। मैं पीडीएफ कहां डालती हूं? यहां पर। यहां पर बायोलॉजी बाय काजल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने मुझे गुड इवनिंग करी है। हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। हाँ डब्बे वाले प्रोटीन से पर लोग खाते हैं भैया शौक शौक में। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन किस किस में मिलता है, आपसे पूछ लिया जाता है किस चीज के बारे में प्रोटीन किस किस से, तो चना, मूंग दाल, सेम, सोयाबीन, मटर, मांस, दूध, मछली और पनीर, इन सबसे क्या मिलता है आपका प्रोटीन। क्लियर बात है? इन सबको खाने से आपको क्या मिलेगा प्यारे दोस्त? इन सबको खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा। हाँ जी, सबसे ज्यादा बढ़िया मतलब कौन सा होता है आपका? सोयाबीन होता है। सबसे बढ़िया क्या होता है आपका प्यारे दोस्त? सोयाबीन। सही बात, देख लो मछली वछली सब खाने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, फैट के बारे में, वसा के बारे में हम बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी चिकनी चीजें होती हैं, जितनी भी आपकी चिकनी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका घी हुआ है ना, तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में पाया जाता है आपका फैट, मोटापा। जरूरत से ज्यादा घी खाने वाले, जरूरत से ज्यादा तेल खाने वाले कैसे हो जाते हैं? मोटे लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में मोटापा बसने लगता है, क्योंकि पूरी तरीके से हमारे शरीर से बाहर ही नहीं जाता, मोटा कर देता है हम लोगों को, बड़ा अजीब सा बना देता है। वेरी गुड उमा तिवारी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, समझ आ रहे। ये हमें क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, ज्यादा एनर्जी देता है। इसलिए तो हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि घी डालकर खाना चाहिए खाने में, या
ज्यादातर वो कोशिश करते हैं आपको ढेर सारा घी सब्जी में रोटी में डालकर देने की, क्यों? क्योंकि उनको पता है इससे क्या मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम लोग नहीं खाते क्योंकि हमको मोटा नहीं होना, हमको कैसे करना है, पतला रहना है हमको, समझे? आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा एनर्जी देता है लेकिन ये मोटापा भी बहुत ज्यादा देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैया मोटा होना कोई नहीं चाहता आज की तारीख में। सोर्स किस किस चीज से हमें मिल सकता है? तो तेल से, अखरोट से, मूंगफली से, तिल से, घी से, दूध से, मक्खन, क्रीम, मांस, इन सब से मोटापा, नहीं मोटापा लिखना तो सही नहीं रहेगा, ये सब किसके स्रोत है आपके फैट, ये सब किसके सोर्सेज हैं आपके फैट के सोर्सेज हैं। हाँ भाई मैं भी मोटी हूं, गुड, और कुछ बता दो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और मोटापा कैसे बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होती है ना, इनमें वसा वसा को रोक लेते हैं और हमारे शरीर से बाहर ही नहीं जाने देते, और हमारे शरीर से क्या है ये बाहर ही नहीं जाने देते। और जब हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो हम तो गुब्बारे जैसे फूल जाएंगे ना। मैं तो बहुत कुछ खाती हूँ भाई, मेरी मत पूछो, तो मैं तो खाती रहती हूँ सारा दिन, मैं तो सारा दिन, मेरा यही काम है खाना खाने का, सारा दिन ही खाती हूँ, मैं नहीं रुकती किसी से भी, समझे? ऑल राइट, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताना, बातें ना करो, आ जाओ बाल को। अब आ जाते हैं हम किस चीज पे, विटामिन से, किस पे आ जाते हैं, विटामिन। तो विटामिन हमें कुछ खास प्रदान नहीं करती है, विटामिन सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती है, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। अरे भाई नितिन, अब कोई मोटा है तो वो कहाँ चला जाए, तुम्हें पसंद नहीं है तो मोटे, सब किसी में नकल नहीं निकालनी चाहिए, चाहे कोई मोटा है चाहे कोई पतला है, किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना है, मोटे लोगों को कहाँ भगा दोगे तुम, ये तो बताओ। और एक बच्चा यही कह रहा है, मैम तुम भी मोटी हो, हैं मुझे भी भगा दो फिर, पढ़ोगे किससे? अब देखिए विटामिन ए, अब बातें कम करो, जल्दी से विटामिन ए का नाम लिखो, विटामिन बी का नाम लिखो, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का और विटामिन के, इन सबके नाम लिख लिख कर बताओ मुझे क्या क्या नाम थे इन सबके, जल्दी से नाम बताओ, ए बी सी डी ई। वेरी गुड, विटामिन ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल, याद रखना है, इसकी ट्रिक भी बना रखी है मैंने, देख लेना शॉर्ट्स में पड़ी होगी। इसका नाम होता है थायमीन, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम होता है कैल्सिफेरॉल, इसका नाम होता है टोकोफेरॉल, फिलीक्विनॉल, आ रही बात समझ में? तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, इन सब के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं आपसे पेपर में कि इसका नाम क्या होता है और उसका नाम क्या होता है, और उस टाइम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे तुम लोग जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रहेगा हिसाब किताब। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका विटामिन ए है वो आपकी त्वचा को बचाता है और आपकी आंखों को बचाता है, विटामिन सी आपको मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, विटामिन डी आपकी हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके फेवरेट विटामिन के बारे में, समझ पा रहे हो मतलब क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? और भाई 5 बजे से आपकी SSC की क्लास है, तो मैं चाहूंगी आप लोग उपस्थित रहें क्लास में। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, प्रिया शर्मा, जय श्री राम भाई दोस्त, है ना, अब पढ़े हम,
नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है किसकी बात, नेक्स्ट आ जाती है आपकी मिनरल की बात। तो मिनरल हमारे शरीर में क्यों जरूरी होती है, क्योंकि मिनरल भी विटामिन के साथ साथ शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करेंगे। कहां कहां मदद करेंगे, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आपसे पूछा जाएगा कि चलो बताओ मिनरल्स होता क्या क्या है और कहां से मिलता है। तो जितने भी आपके फल होते हैं, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, जितने भी आपकी सैलेड्स होती हैं, सबसे आपको मिलता है मिनरल। देखा है ना, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं वो डाइटिंग करते हैं और उनका एक ही मेजर डायलॉग होता है कि हम तो फ्रूट डाइट पे हैं, हम तो सैलेड खा रहे हैं केवल। तो क्या होता है कि जितने भी आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने लगता है कौन, आपका मिनरल्स। और धीरे धीरे यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से आपका फैट भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना, जितने भी आपके इस तरीके के खाने होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मिनरल्स कहलाते हैं। जैसे मिनरल में कौन कौन आता है आपका, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, लोहा, तांबा, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज और सेलेनियम। तो ये सब के सब उदाहरण है। और मैं साइड हट गई हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, और आपस में बतियाओ मत बिल्कुल भी। समझ रहे हो, बतियाओ मत आपस में। मैं तो एकदम बढ़िया हूं भाई, तुम्हारे सामने एकदम मस्त खड़ी हूं। पढ़ाई करो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी के सभी, बिना स्क्रीनशॉट के कोई नहीं बैठेगा क्लास में। भाई शिवा मैं कैसे रोकूं कॉपी पेस्ट वालों को, काश मैं इन्हें थाम सकती, मैं खुद परेशान हूं इनसे। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में, रफेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी रफेज के बारे में। तो रफेज किसे कहा जाता है, तो देखिए रफेज कहा जाता है जैसे आपके दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है, जो शरीर में बिना पचा हुआ खाना रह जाता है उसको डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है, आपका रफेज। ठीक है, फाइबर वाले फूड, या बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, या आपको बोलते हैं सलाद खानी चाहिए, जैसे गर्मी होती तो बोलते हैं खीरा और मूली ये सब खाना चाहिए, ताकि वो आपकी बॉडी का एक तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, और बाकी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे। मैं बताऊं क्या इनका नाम तुम्हें, शिवा और स्टडी टाइम, कुछ खास बातें होने वाली हो तो हमें भी सुना दो भाई, हम भी सुन लेंगे, पढ़ बाद में लेंगे, ज्यादा खास बातें हो रही तो क्लास में। और देखिए बार 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 समझाया जा रहा है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। जी, और देखिए भूमि बैच है आपका यूपी लेखपाल 2021, इसका प्राइस है 999 रुपीज, इसका प्राइस है आपका 999। क्लियर, आगाज बैचीरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे, इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहता है हिसाब किताब, किस चीज का देखते हैं। देखिए अगर कभी भी आपसे कोई लोहे के बारे में बात करे, आयरन के बारे में बात करे, तो लोहा किस किस में होता है, आपके अंडे में होता है, मांस में होता है, हरी सब्जियां, शलगम, अंकुरित अनाज के दाने, खमीर, सेम, किशमिश और खजूर, इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में आपका लोह तत्व पाया जाता है। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाएगा, आपका लोह तत्व। भारतीय क्लास अभी नहीं हुई, क्लास आपकी अभी 10 मिनट और चलेगी, उसके बाद आपकी एसएससी की क्लास है 5 बजे से। वेरी वेरी गुड। इसका मेन कार्य क्या होता है, आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य है। इसका मेन कार्य क्या होता है, आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, यानी ऑक्सीजन को कैरी करेगा। और अगर किसी के शरीर में, अगर किसी के शरीर में हो जाती है आयरन की कमी, लोहे की कमी, तो क्या होता है भैया, तो उसे एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। इसमें क्या होगा भाई, शरीर में हो जाएगी खून की कमी, क्या हो जाएगी, शरीर में खून की कमी। ध्यान रखेंगे इन सभी चीजों को पूछा जाता है डायरेक्ट, और तुम लोग बता नहीं पाओगे, यही हालात रहे तो तुम्हारे।
नेक्स्ट आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम किस किस में होता है? दूध और दूध से बने पदार्थ, मूली में, सोयाबीन, अंडे, गोभी के पत्ते और रागी। किस चीज में मदद करते हैं? हमारी दांत और हड्डी को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? हमारी दांत तथा हड्डी को क्या करते हैं प्यारे दोस्त? मजबूत बनाते हैं। जी अच्छा, सन कुमार सुधरोगे तुम या मुझे सुधारना पड़ेगा? हैं? ज्यादा बोलना आ गया है तुम्हें? नेक्स्ट, अगर इसमें शरीर में कमी हो जाए तो आपको कौन सी? रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होगा भैया? आपका दांत और हड्डियां कमजोर, हड्डियां हो जाएंगी आपकी बे इंतहा कमजोर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? फॉस्फोरस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के बारे में। तो देखिए, मांस, मछली, अंडा, अनाज, गाजर, मूली, सेब, सोयाबीन। और ये है करके हंसने की जरूरत नहीं है, क्लास में याद करनी है टेबल, समझ रही हो? टेबल अगर याद नहीं होगी ना तो एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सीटेट का। और अभी मैं इसके तुरंत बाद आपको प्रीवियस ईयर्स दिखाऊंगी कि कैसे आए थे इस चैप्टर में से। डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट भी वही बच्चा करेगा जो पढ़ेगा, तुम जैसे थोड़ी ना जो क्लास में हे कर रहे हो बैठकर। हड्डी के निर्माण और मस्तिष्क को मजबूत बनाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। मैं ये सोचूं तुम्हारी ऑफलाइन क्लास नहीं है और तुम यहां पे इतना परेशान कर रहे हो ऑफलाइन में, तो तुम मेरी हालत खराब कर देते। ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम अगेन हरी सब्जियों में, पीली सब्जियों में, मांस में और दूध में। इसके बाद हम बात करते हैं क्या करते हैं, खून को स्वस्थ रखता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, प्यास ज्यादा लगना और मानसिक भ्रांति या शांति खत्म हो जाना। जैसे मानसिक शांति तुम खत्म करते हो बातें कर कर के बीच में। नेक्स्ट बचता है आपका सोडियम। तो सोडियम आपको पता है, खाने वाला नमक, तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारे पूरा नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट, अगर इसकी कमी शरीर में हो जाएगी तो आपको किडनी फेलियर का भी खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है? आपको किडनी फेलियर का भी खतरा हो सकता है। राहुल पेपर में अच्छे नंबर ले आओ, पास हो जाओ, तुमको चाय भी पिलवाएंगे, यहीं आकर बुलवाएंगे। आयोडीन, भैया आयोडीन जा तक कहां से मिलती है? समुद्र से पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ से। थायरोक्सिन नामक, थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाता है। और कौन सी बीमारी हो जाती है आपकी? गोइटर। कौन सी बीमारी हो जाती है प्यारी दोस्त? आपकी गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। उम्मीद करती हूं आपको ये टेबल सभी को याद हो गई होगी। क्लास में नितिन तुम तो सबसे बड़े एलिमेंट हो क्लास में बातें करने के लिए, और कह रहे हो कि क्लास में बातें बहुत होती हैं, खुद लगे रहते हो। नेक्स्ट है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन किस किस में? दूध में, चाय में, हड्डी और दांतों को सख्त रखता है। और अगर फ्लोरीन की कमी शरीर में हो जाए तो आपके दांत कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो एक बार ये सारा चार्ट आप लोग बहुत तरीके से देखेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ भैया चाय पी लेना आप लोग आकर, पर उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ता है, ऐसी किसी को चाय नहीं मिल जाती। देखो यहां से आपके सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जी, सही समझे मेरी बात? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सलमान मैं आज तुम्हारा डाउट हर हालत में देख लूंगी, ठीक है सलमान? परेशान मत होइए प्लीज। आज मैं आपको अभी मेरी 6 बजे क्लास ओवर हो जाएगी, 6 बजे के 6:30 बजे तक मैं आपके डाउट का आंसर दे दूंगी। जल्दी बताओ,
डाइट्री फाइबर्स को और किस नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। बहुत बातें करनी आ रही थी तुम लोगों को, चलो आंसर बताओ सभी के सभी। बोलो बोलो जल्दी से आंसर दो। शिखा वर्मा बेटे आंसर गलत है आपका। चक्कर तो आएंगे बिल्कुल, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही चक्कर आएंगे तुम्हें। पेपर में और भी आ सकते हैं चक्कर, है ना, जो पढ़ाई नहीं करता उसे ऐसे ही चक्कर आते। नहीं पता किसी को, किसी एक का भी जवाब बिल्कुल सही नहीं है। इसको रफेज कहा जाता है मूर्खो, इसको क्या कहा जाता है आपका, रफेज कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रफेज। बताओ जल्दी से, मैंने अभी बताया था रफेज किस किस में पाया जाता है। अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं रफेज पढ़ाए हुए और तुम लोगों को हालत देख लो, है ना, गलत आंसर देने पे तत्पर हो एकदम। चलो बता दो प्यारे दोस्त रफेज के बारे में। रफेज एकदम सही है, लेकिन बता दो कहां कहां पाया जाता है, ये कहां होता है मैम। भाई वाह, जो बच्चे लेट है उन्हें तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ना कुछ कह रही हूं मैं उन लोगों को, जो जल्दी आए हैं पहले पहले टाइम से क्लास में बैठे हैं। अभी बताया नहीं आपको, सब्जी में, रेशेदार फलों में, रेशेदार फ्रूट्स में, अभी बताया था ना आपके शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में भी मदद करेंगे, आपके शरीर के डाइजेशन में भी मदद करेंगे, बताया था ना अभी। समझ रहे हो जी, किस किस चीज में मदद करता है जी, ये आपके पाचन में मदद करेगा। क्लियर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सी टेट क्लियर हो जाएगा और यूपी टेट भी। इतना मुश्किल और इतना हुआ पेपर नहीं आता, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हो। अभी 10 मिनट पहले बताया, फिर भी तुम्हारी हालत देख लो क्या है क्लास में। ऐसे कैसे काम चलेगा तुम लोगों का। ऐसे काम ना चलता भाई, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सिलेक्शन होवे। ऐसे ही रह जाओगे वरना। जी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग बेवकूफों, मतलब सुधरना ही नहीं है तुम लोगों को, तुम लोगों ने खाली कसम ना सुधरने की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो उधर तसल्ली से। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है, जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है। क्या कहोगे कि एक तो खाने के लिए खाना दे रहा है, दूसरा घर दे रहा है, ठीक है, दो लोग एक साथ रह रहे, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो एक तो खाना बनाता है और दूसरा इसके पास घर है, दोनों मिलकर साथ रहते हैं, तो इस प्रकार की दोस्ती को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से क्या कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अरे भाई तुम लोगों ने तो मेरा क्या कहूं मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूं अपना गुस्सा तुम लोगों के सामने। इसको कहा जाता है सहजीवन, एक साथ रह रहे हैं ना, डायग्राम भी बना दिया तब भी कुछ नहीं मालूम। इसको कहा जाता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशन, और ये किसके बीच में रहता है, ये होता है लाइकन। कौन दिखाता है ऐसा रिश्ता, लाइकन्स, ठीक है। इसमें तुम अपने हालात देख लो कितने खराब है बच्चों, जिसका सही है उसका वेरी गुड और जिसका गलत है बस पूछो मत तुम लोग। नेक्स्ट जल्दी से मुझे बताओ, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का
सही चुने। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जिसका सही है, वेरी गुड। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहे हैं। और जिस जिस अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सचिन शुक्रिया, शुक्रिया सचिन, कितनी तारीफ करोगे। मेरा अच्छा पढ़ाने से क्या फायदा, तुम लोग आंसर ठीक नहीं देते हो, बेइज्जती है मेरी बिल्कुल, बहुत बड़ी वाली। वेरी गुड, जिस जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, जिसे धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सबकी सब कैसी फसलें हैं, आपकी खरीफ फसलें हैं। सारी की सारी कैसी फसलें हैं प्यारे दोस्त, खरीफ फसलें हैं। रोज क्लास का यही पैटर्न रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर हमसे पूछे गए हम वो करेंगे, हमारी साइंस ऐसे ही निपटेगी। 5 बजे से आपकी SSC की क्लास है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है फसल पौधे व खरपतवारों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। पहला कथन है हमारा, वे फसल के पौधों को स्वस्थ रूप में विकसित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल गलत। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन फंसे मॉक टेस्ट में, ओके थैंक यू। यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह पानी, पोषक तत्व, आंतरिक और प्रकाश के लिए फसल पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बहुत सही। यानी क्लास को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने का काम भी बखूबी करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सेम हिसाब किताब इन लोगों का रहता है। आ रही है बात समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर है B, C और D। इसका करेक्ट आंसर है आपका B, C और D ऑप्शन, C, B और D ऑप्शन, ठीक है। वृद्धि भी रोक लेंगे, सब काम खराब कर देंगे। भावना पूछ रही है BEd फर्स्ट ईयर में 2019 CTET बोथ क्लियर है क्या, सुपर टेट के लिए वैलिड रहेगा? डियर देखिए, वैलिड तो रहना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है, अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आ गए तो कुछ नहीं कहा जा सकता सरकार का। बातें ना करो बस, ना रहम कर दो। नेक्स्ट, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से किस में नीला काला रंग प्रदान होगा? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे वही आपका रंग कैसा देंगे, काला नीला। ग्रुप डी की क्लास होती है बेटे 1 बजे से, EVS की क्लास होती है 11 बजे से और SSC की क्लास होती है 5 बजे से, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है। सलमान, CTET में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स तो आपके देशराज सर पढ़ाएंगे ना, SST में वो अलग पोर्शन चलेगा आपका। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, उबले और पिसे हुए आलू या उबले और चबाए हुए चावल, क्या इसका सही आंसर है? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर बताओ भावना, क्योंकि आज CTET की क्लास स्टार्ट हो गई ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। अच्छा, चीनी और शक्कर का घोल, ओके सचिन, ओके सौरभ, जल्दी जल्दी से आंसर बता दे मुझे। गुड इवनिंग जितने बच्चे अभी जुड़े हैं मेरे साथ। जी, सी आंसर, वेरी वेरी गुड, जिसमें है ए और सी आंसर, बहुत बढ़िया, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी गुड। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर करे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कर लीजिए,
इनमें से पौधे का एक ऐसा युगल चुनिए जिनमें दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। दो या दो से अधिक आप चीजों को खा सकते हो। हां जी, क्या चीज आप दो या दो से अधिक खा सकते हो, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है केला और बैंगन। इसका सही आंसर क्या है, ए और बी ऑप्शन, यानी जिस बच्चे ने सी टिक करा होगा उसका आंसर एकदम ठीक रहा होगा, एकदम परफेक्ट इसका आंसर है। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बताइए रूमिनेंट्स कौन होते हैं। रूमिनेंट्स रूमिनेंट्स जानवरों में से कौन कौन आता है? स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा, दिख रहा है? मैं देख पा रही हूं स्क्रीन तो पूरा। रूमिनेंट्स गाय भैंस, और गाय भी होती है रूमिनेंट और भैंस भी होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो लास्ट वाले हटा ही दो। गाय भैंस और हिरन, सचिन पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आएगी, उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन दिखानी पड़ेगी, क्लास में बत्ती आना नहीं है। गाय भैंस और कुत्ता, कुत्ता रूमिनेंट्स में आता है। इसका सही आंसर है गाय भैंस और हिरन। गाय भैंस और हिरन रूमिनेंट्स का मतलब जो जुगलबंदी करते हैं, और कुत्ते को मैंने जुगलबंदी करते कभी नहीं देखा, है ना। गाय भैंस और हिरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों को दर्शाता है? ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो खुद खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, सबसे पहले यही लोग खाना बनाएंगे जीवन में। ऑटोट्रॉप कौन कौन है? मैं आपकी थोड़ी सी यहां पर मदद करना चाहूंगी प्यारे दोस्तों। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर मुझे सबसे पहले अशोक वर्मा ने दे दिया है। देखिए कभी भी आप कसकटा या अमर बेल या आकाश बेल कुछ भी लिखा हुआ देखें तो ये तो जीवन में अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं खाने के लिए। तो दो ऑप्शंस तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एग्जाम में अगर चार ऑप्शन है तो दो तो एकदम निकम्मे ऑप्शन होते हैं, उनको तुरंत कट कर देना चाहिए, बचते हैं दो बाकी के। तो देखिए शैवाल भी अपना खाना खुद बना सकती है, पालक टमाटर और केला, क्लियर बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है बताइए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए, और बार बार मैं टाइम टेबल लिख रही हूं आपका। ग्रुप डी, ग्रुप डी 1 बजे से क्लास होती है, ईवीएस की 11 बजे से क्लास होती है 11 AM, और 5 बजे आपकी एसएससी की क्लास होती है। तो ये टाइम टेबल आप लोग नोट रखिएगा। ए ईस्ट का प्रयोग करते हैं अल्कोहल बनाने में, किसको बनाने में? आपके अल्कोहल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है आपका ईस्ट, समझे। ईस्ट का मतलब, ईस्ट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीवी है एक। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे 5 वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।